मैं कलेक्टर से बात करा हूँ, वो अभी लेटर दे रहा हूँ मैं उसको कलेक्टर को, तो वो दे देंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द काम शुरू कराऊंगी, बोलिए उसको इंस्पेक्शन गाँव वाले को बोलता हूँ कलेक्टर को, या चलते तो चलो कलेक्टर ऑफिस जाएंगे पर इमीडिएट बना तो यार कलेक्टर का ऑर्डर देना ही होगा कलेक्टर। मेन ब्रांच को साफ कराना है ना, मेन ब्लॉक हो रहा है साफ, टेम्पररी करा रहे हैं। और अब क्या होना बोलते हैं, फुल हॉस्टल में जितने लोग हैं तकरीबन 65-70 पीपल हैं, उन सबको बस एक या टू वॉशरूम्स में जाना पड़ रहा है। कभी कभी यू नो लाइक ज़्यादा लोग रहते हैं, या फिर कभी कभी इसके वजह से पर्सनली हम सब बैचमेट्स वी आर ड्रिंकिंग लेस वाटर। और सुबह थोड़े लोग गए ना तो क्लीन करने के वास्ते आंटी कितने की देर के बाद आते, फिर वो इतने लोग एक ही वॉशरूम यूज़ करने की वजह से वो अनहाइजीन हो जा रहा है, उसके वजह से तबीयत भी खराब हो जाती है सर। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के चारमीनार विधानसभा में चारमीनार यूनानी अस्पताल है। इस अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है। इस अस्पताल के लिए AIMIM पार्टी ने सरकार से करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद ये कार्य लंबित हो गए हैं। तेलंगाना की विधानसभा सत्र में AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया था, तुरंत ही निरीक्षण करें और अस्पताल के निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाएं, लेकिन अभी तक ना मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, ना स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, ना किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। ये मुद्दा विधानसभा में गंभीरता से उठाने के बाद भी सरकार ने किसी अधिकारी को आदेश भी नहीं दिया, जबकि सरकार बन के एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। इस अस्पताल में गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में 80 विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ पे शौचालय सिर्फ 2 है। बहुत ही गंभीर समस्या है। इस हॉस्टल में 2 शौचालय के कारण यहाँ पर सीवरेज की समस्या पेश आई। ये समस्या पेश आने के बाद यहाँ के विद्यार्थियों ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवेसी को इसकी सूचना दी। अवेसी ने तुरंत ही AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली को अस्पताल जाने का निर्देश दिया। विधायक तुरंत ही पहुंचे और सीवरेज की समस्या का समाधान तत्काल करवाया और यहाँ के विद्यार्थियों से बात भी की। विद्यार्थियों ने कहा 2 शौचालय है, बहुत ही गंभीर समस्या है। इस हॉस्टल में हमें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई और यहाँ पर अनगिनत समस्याएं हैं। जब भी हमें समस्या पेश आती है तो AIMIM पार्टी समाधान करवाती है। विद्यार्थियों ने विधायक से अनुरोध किया तुरंत ही नए शौचालयों के निर्माण कार्य करवाए। विधायक ने कहा इस संबंध में हैदराबाद कलेक्टर से बात किया हूं और जल्द ही नए शौचालय के निर्माण कार्य हॉस्टल में करवाए जाएंगे और मैं हैदराबाद कलेक्टर का यहां पे निरीक्षण भी करवाऊंगा जल्द ही। और मैंने GHMC विभाग से भी कहा है यहां पे क्लीनिंग के लिए। अभी ये समस्या जो है इसका समाधान तो हुआ है, लेकिन ये बिल्डिंग के निर्माण कार्यों के लिए मैं जरूर स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा यहाँ पे निरीक्षण करे और कार्य तत्काल शुरू करवाए। और असदुद्दीन अवेसी, अकबरुद्दीन अवेसी भी बहुत ही गंभीर है। और इस चारमीनार अस्पताल की पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, स्थिति बहुत ही खराब है और यहाँ पे 3 विद्यार्थियों पर छत से मलबा गिरने से गंभीर चोटें भी आई थी। मैंने निरीक्षण भी किया था, इस संबंध में भी मैंने हैदराबाद कलेक्टर को सूचना दी थी और AIMIM की गंभीरता को देखते हुए ही सरकार ने इस अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया स्वीकृत किया था। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाएंगी, क्योंकि मैंने इस अस्पताल की विस्तार से रिपोर्ट असदुद्दीन अवेसी, अकबरुद्दीन अवेसी को दे दी है और सरकार से कार्य करवाने के लिए AIMIM पार्टी हर निरंतर प्रयास कर रही है। विधायक ने कहा चारमीनार यूनानी अस्पताल में लोग दूर दूर से यूनानी चिकित्सा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि यूनानी दवाओं का अगर सेवन करते हैं तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस अस्पताल को देखने के लिए पर्यटक भी आते हैं, लेकिन इस अस्पताल के हालात बेहद ही खराब है। विधायक ने कहा विद्यार्थियों का भविष्य है और सरकार इस अस्पताल को हल्के में नहीं ले सकती। AIMIM पार्टी हर प्रयास करेंगी इस अस्पताल के निर्माण कार्य करवाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरफ। कोई भी चेंज ऑफ साइड कैसा भी होता है, दाल दोना पे क्या करते बच्चे हैं, 70-85 बच्चे हैं यहाँ हॉस्टल। हाँ।
ठीक है, वो कलेक्टर से बात करता हूँ मैं। नहीं नहीं मालूम है, बोला करते साहब अपन नहीं कर सकते, इसमें मालूम है आप ये नहीं कर सकते, ये इनका अलग है कॉलेज है मगर। ठीक है भाई, काम करिए फिलहाल, आप क्या करिए जरा रेगुलर आके साफ कर, गाड़ी भी जाके साफ करवा दीजिए ना, बोल के इमीडिएट आज करा दिए मैं, क्योंकि अब कलेक्टर करने भी जा रहा हूँ, कलेक्टर से बात करा मैं तो लेटर दे दो साहब, बोले 5 मिनट की देरी हुई, इधर से निकले मुगलपुरे से मैं उनसे बात करा रहा था, उनको ले लेके ही आता था मैं, और आप जैसा बोले वो एस्टिमेट बनाता फंड दे दो बोल के, कलेक्टर से बात करके वो भी करा दो। अच्छा तो वैसे सर का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब आने की वजह से, हम AIMIM पार्टी का थैंक यू हमारे प्रॉब्लम सुनते आके रिजॉल्व करने के वास्ते। और ये कहा गया कि यहाँ के टॉयलेट्स का बहुत बुरी हाल है, तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया और यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मुझे बुलाया गया था, वहाँ भी मैं अटेंड किया, और इस ताल्लुक से मैंने कलेक्टर हैदराबाद से बात की और उनको 0573 जिसमें इस कॉलेज के लिए 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, अली जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर उसका काम होना बाकी है। मैंने कलेक्टर से बात किया और कलेक्टर को मैंने जियो भी डाला और कलेक्टर ने मुझसे वादा किया कि वो जल्द से जल्द काम करवाएंगे और ये एक रिप्रेजेंटेशन मैं भी दूंगा और कलेक्टर से जाके मैं खुद मिलकर दूंगा। और यहाँ का बहुत बुरा हाल है, यहाँ के टॉयलेट्स का, लड़कियों का, जिस हॉस्टल में करीब 80 लड़कियाँ रहते हैं और सिर्फ 2 टॉयलेट्स यहाँ पर है इस वक्त काम कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ का सामना इनको करना पड़ रहा है। साफ़ सफाई की भी तो बराबर साफ़ सफाई भी नहीं है, साफ़ सफाई की कमी है। तो मैंने अभी इमीडिएट वाटर वर्क्स के हमारे CGM साहब से बात की और ये ड्रेन साफ़ करने के लिए कहा और कचरा साफ़ नहीं हो रहा था तो हमारे AMS साहब से बात किया और उनसे भी कहा कि यहाँ पे झाड़ू भी देंगे, ये हालांकि बल्दिया के जुरिडिक्शन में नहीं आता लेकिन फिर भी ये दवाखाने का मामला है, साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा और वो भी राज़ी हो गए कि हमें झाड़ू दिलाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। इंशाल्लाह मैं अब जाके कलेक्टर से भी मिल रहा हूँ इस ताल्लुक़ से और जल्द से जल्द मैं कोशिश करके टॉयलेट्स का काम अभी शुरू कराऊँगा।